हाय एवरीवन, वेलकम टू कल्याणी का अपना किचन। कल्याणी के अपने किचन में आज बेसन मिर्ची के फ्राई बन रहे हैं, तो देखिए रेसिपी। रेसिपी में ये सब मसाले हैं: जीरा, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला, काला नमक, हींग और 1 कप बेसन लिया है। उसमें ये सब मैंने मिक्स कर दिया, नमक, काला नमक, काला ये ब्लैक पेपर भी है थोड़ा सा, इन सबको मिला के ऐड कर दिया। मिक्स कर लेते, पहले ड्राई ही मिक्स करिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे और बैटर को अच्छा घोल बनाना है, कोई लंप नहीं रहना चाहिए। वैसे तो बेसन है, बहुत जल्दी से मिक्स हो जाएगा, पर थोड़ा ही थोड़ा पानी डालिए। बेसन बहुत जल्दी घुल जाता है, इसलिए पानी ज़्यादा ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के आप उसको ठीक कंसिस्टेंसी रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। और इसे हम घोल के बना के एक साइड रख देंगे। बढ़िया सा घोल बन गया, तैयार हो गया है। देखिए पोरिंग है, कंसिस्टेंसी पतली नहीं है, जैसे हमारी डोसे की होती है गाढ़ी गाढ़ी, उसी तरह का है। अब यहाँ पे मैंने ये आलू लिए हैं एक प्लेट में, और एक मशर की सहायता से उबाल लिए हैं अच्छी तरह से, उबाल के ठंडा कर लिया छील के। अब इसको थोड़ा हम मैशर की सहायता से मैश कर रहे हैं। कोई आलू अगर अच्छे से मैश नहीं हुआ तो उसे जितना बॉईल हुआ मैश हुआ उतना ही निकाल ले, बाकी हटा दे। इसमें भी थोड़ा सा हल्दी, मिर्ची, धनिया, अमचूर पाउडर डाला है मैंने इसमें, यहाँ पे चाट मसाला नहीं डाला है, और नमक डाला है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बढ़िया सा एक डो जैसा मिक्सर बना लेंगे। ये चाट आमचूर मसाला डाल दे रही हूँ मैं। थोड़ी सी हींग का इस्तेमाल किया है। हरी मिर्चियों में जो बड़ी मिर्ची है ये, इसके आप एक स्लेट लगा के बीज निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, बहुत कम है तो रखना चाहे तो रख सकते हैं। इसमें भी आलू में भी थोड़ा सा नमक मिला लिया है। अब इसे हाथ की मदद से मैं पूरा मिक्सर को जो है मैश कर लूँगी। काला नमक और सादा नमक दोनों ही डाला है। यहाँ पे थोड़ा सा हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छे से डो की तरह मिक्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये आलू रेडी हो गया है। अब आलूओं को हम इन मिर्चियों में पूरा भर लेते हैं। ये पहली वाली जो मिर्ची है मैंने इसमें बाहर भी आलू लगाया है, नहीं तो जनरली तो बस अंदर जितना भर सकते हैं उतना भर देते हैं, तो मैंने दोनों तरह से लगाया है। बाहर भी 2 मिर्चियों में आलू लगाया है और बाकी मिर्चियों में उसके जो स्लिट किया हुआ है अंदर में जो स्पेस है उसे आलूओं से फिल कर दिया है। अच्छी तरह से चारों तरफ से आलू से इसको कोट कर दीजिए। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है।
बेसन में मैंने थोड़ा सा एक चम्मच अजवाइन भी ऐड किया है जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, और इसमें आलू में थोड़ा सा हींग भी डाला है और ब्लैक पेपर भी डाला है थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसे अंदर से पील कर रही हूँ। यहाँ पे भी आप हाथ से ही आपको फील करना पड़ेगा। इस तरह से सारी मिर्चियों को आपको रेडी कर लेना है। इस मिर्ची को मैं बाहर से आलू लगा रही हूँ, तो मैंने दो मिर्चियों में बाहर से आलू लगा के उसे कोट कर लिया है और बाकी मिर्चियों को अंदर से फिल किया है। तो इस तरह से सारी मिर्चियाँ रेडी हुई है। अब तेल कढ़ाई में गरम करके उसमें इसे फ्राई करना है। तो हम बेसन में कोट कर कर के, जो हमने बेसन रेडी किया था, मिर्चियों को उठा के उसमें कोट कर रहे हैं और तेल में प्लेस कर दे रहे हैं फ्राई करने के लिए। होप ये रेसिपी आप सभी लोगों को अच्छी रहेगी। अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर करिए। कल्याणी का अपना किचन जरूर देखिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और एक बार तो ज़रूर आप मिर्ची वड़ा ज़रूर बनाइए। मिर्ची वड़ा, बेसन मिर्ची, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और इसे आप प्लेन मुरमुरा के साथ खा सकते हैं, प्लेन दाल राइस के साथ खा सकते हैं। हमने तो ऐसे ही सॉस के साथ खाई। मिर्ची तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, तीखा नहीं था। ये देखिए, ये दूसरा लॉट भी अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे भी हम निकाल देंगे। सादे मुरमुरे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। एज अ स्नैक आप पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं। जिनको मिर्ची प्रिय है वो लोग मिर्ची जरूर खाएंगे, क्योंकि ये मिर्ची तीखी नहीं होती है। एज अ स्नैक भी चल सकती है। ऐसे बस पोटैटो के साथ कोट करके बेसन में डिप करके फ्राई करके आप प्लेस कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये रेडी हो गई है। एक प्लेट में सब मैंने निकाल के सर्व कर दिया है। होप यू लाइक इट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।